नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कमल श्रीमाली। पिछले कुछ दिनों से मैं आपको बतला रहा हूं आपके भाग्य उदय के बारे में। भाग्य तो हर व्यक्ति के पास में है। जो व्यक्ति उत्पन्न हुआ है, जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, वो सब भाग्य के साथ में उत्पन्न हुए हैं। लेकिन ग्रह आप देखेंगे, ग्रह बाल्यावस्था में भी है, कुमार अवस्था में भी है, सुप्त अवस्था में भी है, तो मृत अवस्था में भी है। तो जो ग्रह भाग्य का अधिपति है, आपकी कुंडली में भाग्य भाव का अधिपति है, यदि वह ग्रह सुप्त अवस्था में है, तब आपका भाग्य सोया हुआ है। हमने उसी भाग्य को जगाना है, भाग्य उदय करना है। और भाग्य उदय करने के लिए क्या क्या आप उपाय कर सकते हैं? सबसे पहले उपाय क्या है, जांचना। सबसे पहले यही चेक करना पड़ेगा कि मेरे भाग्य का अधिपति ग्रह कौन सा है और मैं कैसे उसे जागृत करूं, यदि कोई सुप्त है तो। लेकिन जब किसी ज्योतिषी के पास में जाएगा, योग्य विद्वान के पास में जाएगा, एक योगी के पास में जाएगा, ज्योतिष चिंतक के पास में जाएगा, तब तो उसे पता चलेगा। और जब पता चल जाएगा तो वो उपाय भी करेगा। और उपाय करने से आप किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं एक साधारण सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप मुझसे नाराज हैं और मैं आकर के आपके पांव छू लूं, तो क्या उतनी ही नाराजगी रहेगी? शायद नहीं रहेगी। वही चीज ग्रहों के साथ में भी है। जो ग्रह प्रतिकूल है, उनका जब उपाय करेंगे तो उनकी प्रतिकूलता भी कम होगी। किसी ग्रह को नेगेटिव को पॉजिटिव तो नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मल तो कर सकते हैं। तो आइए आज जानते हैं धनु लग्न के बारे में। धनु लग्न में भाग्य का अधिपति ग्रह होता है सूर्य, जो कि सूर्य ग्रहों का राजा है। यदि जिस कुंडली में सूर्य बलवान हो जाए, उस व्यक्ति का वर्चस्व, उस व्यक्ति का पराक्रम, उस व्यक्ति का रसूख, उस व्यक्ति की स्थिति आम लोगों से ऊपर होती है। सूर्य बलवान होने से पिता से वैर विरोध नहीं होगा, पिता से घनिष्ठता रहेगी, पिता की आय में वृद्धि होगी, पिता की आयु में वृद्धि होगी। और सूर्य बलवान होने से व्यक्ति गवर्नमेंट सेक्टर में, एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में ज्यादा सफल होगा, ज्यादा सक्सेस होगा, दूसरों को मार्गदर्शन करने वाला होगा, अर्थात लीडर होगा। और यदि स्कूल की बात करें, कोई बच्चे की कुंडली में सूर्य बहुत बलवान है और धनु लग्न की कुंडली है, तो वो क्लास का मॉनिटर जरूर होगा, क्योंकि उसके अंदर बेसिक वो गुण हैं। और उन गुणों को पहचान करके व्यक्ति को और बलवान बनाया जा सकता है। एक योग्य विद्यार्थी है, उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। और आप उस पर ध्यान दे सकते हैं, आप उसको राह दिखा सकते हैं, मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और ठीक इसके विपरीत, यदि सूर्य कुंडली में नीच राशि हो जाए, तो पिता से वैचारिक मतभेद रहेंगे, पिता की आयु में कमी रहेगी, या पिता के स्वास्थ्य में कुछ न कुछ कमजोरी रहेगी, पिता की आय में भी समस्या आएगी, और वो व्यक्ति अपने जीवन में राजकार्यों से परेशानी ही देखता रहेगा, अर्थात उसकी राह में गवर्नमेंट सेक्टर से हमेशा प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट सेक्टर को रोल करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो धनु लग्न की कुंडली में सूर्य विशेष रूप से योग्य ग्रह, कारक ग्रह कहा जा सकता है। उसके साथ में बृहस्पति, जो जीवन का अधिपति है, और मंगल, जो कि बुद्धि का अधिपति है। यदि तीनों को बलवान कर दिया जाए तो जीवन संपूर्ण रूप से सुखमय हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ और विशेष योगों की, जो धनु लग्न में घटित होते हैं। धनु लग्न की कुंडली में सूर्य भाग्यश होता है, ठीक उसके साथ में स्थितियाँ और क्या उत्पन्न हो सकती है, बृहस्पति और बुध यदि दोनों लग्न में हो जाए, तो बृहस्पति तो लग्नेश है ही है, और जिसको बुध बोला जाता है, बुध कुंडली में 10th हाउस का मालिक है, अर्थात बुध आपके कर्म का अधिपति है, वो लग्न से संबंध जोड़ेगा। सूर्य और शुक्र दोनों द्वितीय भाव में हो, तो शुक्र आपकी कुंडली में लाभ भाव का अधिपति होकर के धन से संबंध जोड़ेगा, और सूर्य भाग्य का अधिपति होकर के धन से संबंध जोड़ेगा, अर्थात भाग्य और लाभ दोनों का संबंध धन से हो जाएगा, संपत्ति से हो जाएगा, प्रत्यक्ष संपत्ति से हो जाएगा, आपके वर्चस्व से हो जाएगा, आपकी स्थिर लक्ष्मी से हो जाएगा। मंगल और राहु दोनों षष्ठम स्थान में हो, कुंडली में 6th हाउस में हो। मंगल कुंडली में 12th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस को नाश कहा जाता है, और यों भी मंगल कुंडली में 5th हाउस का भी लॉर्ड है, 5th हाउस को आपकी बुद्धि, नेम फेम बोला जाता है। वो यदि 6th हाउस में हो, क्योंकि मंगल, शनि, राहु और सूर्य 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस में कारक माने जाते हैं, तो मंगल की दृष्टि भाग्य पर भी होगी, मित्र दृष्टि पर होगी, मंगल की दृष्टि अपने खुद के स्थान पर अर्थात 12th हाउस में भी होगी, और मंगल की दृष्टि लग्न पर भी होगी। तब मंगल आपको प्रतापी, आपको जोश खरोश वाला, आपको भाग्य से समृद्ध व्यक्ति और साथ में धनी व्यक्ति, ये सब कुछ मिल जाएगा। सब धनु लग्न की कुंडली में ये योग हो सकता है। आइए अब बात करते हैं एक बहुत ही महान हस्ती जिसका कि धनु लग्न है, भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी जी। देखिए, धनु लग्न की कुंडली है और लग्न में बृहस्पति है।
लग्न में बृहस्पति होना 100 दोषों को दूर करना है। बृहस्पति कुंडली में संतान भाव को, फिफ्थ हाउस को, एजुकेशन को, बुद्धि को देखेगा। बृहस्पति कुंडली में सप्तम भाव को देखेगा और वही बृहस्पति कुंडली में नवम भाव को भी देखेगा। अतः भाग्य का अधिपति सूर्य के स्थान को, सूर्य के भाव को जब बृहस्पति देखे तो बृहस्पति तो मंत्री है, सूर्य राजा है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति ने इस कुंडली को सबसे ज्यादा बल दिया, क्योंकि धनु राशि बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। मंगल और राहु दोनों कुंडली में चतुर्थ भाव में है। एक केंद्र और त्रिकोण का जब आपस में एक्सचेंज हो जाए या त्रिकोण का अधिपति केंद्र में चला जाए, उस स्थिति को राजयोग बोलते हैं, वो यहाँ पर घटित है। मंगल फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होकर के वो सुख स्थान में चले गए केंद्र में, और उसके बाद सप्तम स्थान को देखते हैं कुंडली में, टेंथ हाउस अर्थात कर्म भाव को देखते हैं और वही मंगल लाभ भाव को देखते हैं। एक त्रिकोण का अधिपति सुख स्थान से संबंध जोड़ा व्यक्ति को सुखी बना देगा, व्यक्ति को धनी बना देगा, व्यक्ति को वर्चस्व वाला बना देगा और व्यक्ति को बुद्धिमान, दूसरों को नियंत्रित करने वाला बना देगा। तो ऐसी ही स्थिति में यह व्यक्ति इतने ऊंचे पद पर, सर्वोच्च पद जिसको राष्ट्रपति पद कहा जाता है, वहां तक पहुंच चुके, तो इतनी बलवान कुंडली होने से यह उनकी लाइफ में या उनके जीवन में घटित हुआ। लेकिन ठीक इसके साथ में आप एक चीज और देख लीजिए कि कुंडली में बुध और शुक्र दोनों भी विद्यमान है पंचम स्थान में। बुध दशम स्थान का स्वामी है, फिर एक राजयोग घटित हो रहा है कि कुंडली में दशम स्थान का स्वामी, एक केंद्र का स्वामी त्रिकोण से संबंध जोड़ रहा है। शुक्र लाभ भाव का स्वामी बुद्धि से संबंध जोड़ रहा है, ये अपने आप में योग कारक स्थिति है। और इसके ठीक साथ में एक स्थिति और बहुत अच्छी है इस कुंडली में कि भाग्य का अधिपति ग्रह सूर्य कुंडली में सिक्स्थ हाउस में शनि के साथ में है। शनि धन का अधिपति, सूर्य भाग्य का अधिपति, दोनों ही स्थितियां कुंडली में सिक्स्थ हाउस में है। तो जब सिक्स हाउस का मतलब कंपटीशन, सिक्स हाउस का मतलब रोग, सिक्स हाउस का मतलब शत्रु, सिक्स हाउस का मतलब जो आपसे कंपटीशन की भावना रखते हैं, उनसे आप विजयी होते हुए अपने मार्ग को, अपने लक्ष्य को और अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को पार कर पाए। तो स्थिति ग्रह अपनी स्थिति देते हैं, हमने उनके अनुसार अपने आप को ढालना होता है तो हमें वो मार्ग, सही मार्ग मिल जाता है। आवश्यकता सिर्फ इसी बात की है कि हम अपनी इच्छाओं को दबाएं नहीं, हम सिर्फ एक आम आदमी की तरह नहीं चल के महत्वाकांक्षी बने और इस विज्ञान का सहारा लें। समय रहते सहारा ले लिया तो मैं समझता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में जो लक्ष्य सोचेंगे उसको पार करके ही रहेंगे, उसको प्राप्त करके ही रहेंगे। आज बस इतना ही, कल फिर लेंगे अग्नि लग्न के बारे में अर्थात मकर लग्न के बारे में। तब तक मनन कीजिए, तब तक अपनी कुंडली को जांचिए ताकि आपको पता चले कि आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग, धन योग, भाग्य की स्थिति क्या है, आपकी कुंडली में कितने राजयोग हैं, तो आप अपने जीवन को और सफल बना सकते हैं। और एक विशेष बात कि अभी हमने अर्थात कुछ समय पहले ही हमने एक विशेष रूप से राजयोग से संबंधित कुंडली का निर्माण आरंभ किया है। जन कुंडली तो सभी बनाते हैं, लेकिन हमने एक कुंडली का निर्माण अर्थात सॉफ्टवेयर को इस ढंग से डेवलप किया है कि आप अपनी जिंदगी में जो राजयोग हैं उन सबको जान पाएं और उसके अनुसार अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा पाएं। जन कुंडली में गणित तो होती है लेकिन राजयोगों का वर्णन बहुत कम होता है। हमने विशेष रूप से आपकी जन्म कुंडली में राजयोगों का विश्लेषण करके कुंडली सौंपने का निश्चय किया है। आप चाहें तो कुंडली घर बैठे मंगा सकते हैं, राजयोग विश्लेषण की कुंडली। तो कल मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार दर्शकों, ये कुंडली है और इसमें लिखे नंबर साधारण नहीं बल्कि ग्रहों का एक माया जाल है। इस माया जाल में आपका वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल छिपा है और साथ में छिपा है आपके जीवन के सुख दुख का रहस्य। आपके जीवन में आई सभी समस्याओं के जिम्मेदार ये 9 ग्रह ही हैं। आपके दुखों और कष्टों का कारण और निवारण आपकी कुंडली में ही छिपा है। जरूरत है सिर्फ ऐसे विद्वान की जो इन 9 ग्रहों की भाषा को समझता हो। ऐसे विद्वानों की श्रेणी में विश्व तंत्र ज्योतिष के संपादक पंडित कमल श्रीमाली जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यदि आप भी किसी समस्या से परेशान हैं और पंडित कमल श्रीमाली जी से अपनी समस्या का कारण और निवारण जानना चाहते हैं, तो हम बता रहे हैं आपको सीधा और सरल रास्ता। भारत के इन शहरों में आप पंडित जी से मिलकर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप भारत के किसी अन्य शहर में रहते हैं, तो पंडित जी से मिलने का एक बहुत छोटा सा प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को जानने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें।